बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल द्यो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए, और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपको अत्यधिक तैयारी करना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 8वीं का अध्याय कौन सा करेंगे, अध्याय सात में क्या दिया है, राशियों की तुलना। तो चलिए देखते हैं अध्याय सात, राशियों की तुलना। इसमें कुछ आपको परिचय दिया गया है इसके बारे में, राशियों की तुलना कैसे की जाती है, अनुपात क्या होता है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार ये दिया गया है, जैसे नींबू छह, संतरे छह, तो ये आपको इसे आप पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे आपको इसके कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे बट्टा क्या है, बट्टा का सूत्र क्या है, बट्टा मीन्स होता है अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए तो क्या मालूम हो जाएगा, बट्टा मालूम हो जाएगा। बट्टा प्रतिशत का सूत्र है, इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से इसे आप ध्यान से पढ़िए, मैं सीधे आपको प्रश्न समझाऊंगा। प्रतिशत का आकलन, प्रतिशत क्या है, प्रतिशत का अर्थ क्या है, प्रति 100 प्रतिशत को प्रतिशत का चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 5% बराबर होता है 5/100 बराबर 0.05। इसी प्रकार 25% का होता है 25/100 यानी 1/4 भिन्न रूप में, और दशमलव रूप में क्या होगा 0.25। इस प्रकार उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया है, 360 का 30%, तो 360 का अर्थ हो गया गुणा 30 और प्रतिशत का भागित में आ गया, ये 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस हो गया, बचा क्या 36 × 3, और 36 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 108। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों को आप हल कर सकते हैं। अब इसके आगे चलिए, भिन्न संख्या से प्रदर्शित, भिन्न संख्या को प्रतिशत के रूप में लिखना, तो भिन्न संख्या कैसे प्रतिशत के रूप में लिखना है वह बताया गया है। जैसे 2/3 को प्रतिशत रूप में लिखना, 2/3 × 100% बराबर 2/2 × 100/3 और 200/3 यानी 66 है 2/3। इसके बाद आपको लाभ हानि संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। जब हम कोई वस्तु अधिक दाम में बेचते हैं तब हमें लाभ होता है, और जब वस्तु को कम दाम में बेचते हैं तो हमें हानि होती है, ब्याज क्या है वह बताया गया है। तो ये आपके प्रश्न हैं, इन्हें आप ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सूत्र दिया है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज को आई से दर्शाते हैं, जिसमें पी, पी क्या हो गया मूलधन गुणित दर गुणित समय के बटे 100, तो पी मूलधन कहलाता है, दर क्या कहलाती है आर, और समय क्या कहलाता है टी। और यदि आपको मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, पी धन आई, और आई क्या होता है साधारण ब्याज, पी मूलधन, आर दर और टी समय। उदाहरण इस प्रकार से दिया गया है, उदाहरण को देख सकते हैं, आगे चलते हैं। अब हम अपनी गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय सात राशियों की तुलना पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। देखिए, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। देखिए यहाँ 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात कितना होगा, तो 35 का 25 में अनुपात निकालना, तो कैसे निकाल लेंगे आप, ये देखो, ये 35 भागित क्या कर देंगे 25 करेंगे, 5 × 7 = 35, 5 × 25 यानी 7/2, 7/2 यानी 7:5, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 7:5 यानी डी नंबर का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे डी नंबर 7:5। उसके बाद यहाँ पे डी नंबर घेरे को आप क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे पेन से। इसके बाद दिया है किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है, तो किसी संख्या का 4 गुना यानी किसी भी संख्या का 4 गुना उस संख्या के कितने प्रतिशत की वृद्धि के बराबर है, तो इसका आंसर सही आ जाएगा ए नंबर 300%। और इसके आप क्या करेंगे, ए नंबर के घेरे को भर देंगे इस प्रकार से, अपने पेन या पेंसिल से इसे डार्क कर देंगे, तो इसका कौन सा ए नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न नंबर 3, यदि किसी संख्या का 15% कितना है, किसी भी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या होगी, तो अब इसको आप 15% का निकाल लेंगे, जब इसे हम हल करेंगे तो कितना आएगा, इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा 240। आप इसे हल करके भी देख सकते हैं। संख्या मान लो कोई संख्या आपकी x है, संख्या क्या है आपकी x, x का कितना प्रतिशत 15%, कितना होता है 36, देखो एक्स गुणित 15% तो 15/100 बराबर 36, या आपका हो जाएगा एक्स बराबर 36 × 100/15। अब काटो, 5 × 3 2 से 3 से काटो 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 5 × 1 = 5 5 × 2 = 10 5 × 3 = 0 और ये 12 का बीच में गुणा करो 12 × 2 = 24, तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा आपका 240। इसको हल करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया आपका, प्रश्न नंबर 4, किसी व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है 50,000, इसमें 10% की वृद्धि होने पर नया मासिक वेतन होगा, तो 50,000 में कितने प्रतिशत की 10% की वृद्धि हो रही है यानी कितने हज़ार की वृद्धि हुई, 50,000 का कितना प्रतिशत 10%, तो प्रतिशत 10/100 हो गया, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, बच गया कितना 5,000, 10% वृद्धि हुई, कितने हज़ार की वृद्धि हुई 5,000 की वृद्धि हुई, और हमारे पास मासिक वेतन कितना है 55 में 5,000 जोड़े तो
वो सॉरी मासिक वेतन कितना है 50,000, 50,000 में 5,000 जोड़े तो कितना हो जाएगा 55,000। तो इस प्रकार इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मेज का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और इस पर बट्टा 8% है, तो मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा। इसको हल करेंगे, हल करने के बाद आपको मालूम हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 1104 रुपये। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद ₹1120 में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें आपको क्या ज्ञात करने को कहा है, अंकित मूल्य ज्ञात करने को कहा है। और क्या क्या दिया है, 20% का बट्टा, बट्टा कितने प्रतिशत है 20%, और बाद 1120 रुपये में बेची गई, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना है 1120 रुपये। तो क्या ज्ञात करना, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणित 100 भागित 100 ऋण 32%। तो यहाँ पे आपको विक्रय, अब इसमें क्या करेंगे, सूत्र मान रखेंगे, विक्रय मूल्य कितना है आपका, ये आपका विक्रय मूल्य 1120 रुपये है। विक्रय मूल्य कितना है 1120 लिख दिए, गुणित 100 ऋण 32% कितना है 20, तो यहाँ पे 20 लिख दिए। ये हमने क्या कर दिया, विक्रय मूल्य और 32% रख दिए। अब देखो यहाँ क्या किया हमने, ये 1120 जैसा का वैसा, गुणित 100 में से 20 घटाए कितना आ गया 80। अब यहाँ पे ये 10 से 10 कटा और 8 से 112 काटे, 8 बच गया कितना यहाँ पे 3, उतारे दो कितना हो गया 32, 8 चौके 32, यानी 8 का भाग जब 112 में देंगे कितने बार जाएगा 14 बार। तो अब क्या हो गया, 14 गुणित 100, तो ये लिख दिया हम 14 गुणित 100, और 14 का 100 में गुणा किए तो क्या हो गया 1400 रुपये। अतः अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 1400 रुपये। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। लेकिन बच्चों आप कहेंगे कि सर यहाँ तो 3 लाइन है, अब 3 लाइन में हम इस प्रश्न को कैसे हल करें जबकि आपने इसको बड़ा बताया। तो बच्चों आपको बता देना है कि आप कि जो कक्षा 8वीं की गणित एडगेट अभ्यास पुस्तिका में आपके 3 लाइन में प्रश्न हल नहीं होंगे, इसलिए आप अलग से कॉपी बनाएंगे और उन कॉपी में इन प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7। देखिए ये भी कितना बड़ा है, ये प्रश्न आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका में नहीं आ सकता और इसको छोटा कर ही नहीं सकते। कितना छोटा करोगे, यहाँ तो प्रश्न में ही 3 लाइन समाप्त हो जाती है थोड़ा सा स्टार्टिंग करते में, तो इसलिए आपको इसको डिटेल से हल करके बताया है, समझाया है। तो आप इसे आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में नहीं आ रहा है तो कॉपी में एक अलग से गणित की कॉपी बनाइए और उसमें हल कीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या कह रहा है, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितना धन था। तो देखिए किसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आप मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि रोहन के पास शुरू में ₹X थे, रोहन के पास शुरू में कितने थे ₹X, तो रोहन द्वारा खर्च किए रुपए बराबर X का 50%, क्योंकि रोहन कितना खर्च कर रहा है 50% खर्च कर रहा है, तो खर्च करने के बाद बचे रुपए, तो देखो X का 100 ऋण 50, यानी खर्च करने के बाद कितने रुपए बचेंगे, उसके पास जो थे 100 ऋण 50% हो गया, तो X का 50%। अब प्रश्नानुसार X का 50% बराबर कितना है 800, ये लिख दिए x का 50% 800, तो x का अर्थ गुणित 50/100 का आ गया, ये प्रतिशत का 100 हो गया बराबर 800। अब x बराबर आप क्या करेंगे, ये आपका 50/100 है ना, इसका पक्षांतर करेंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो 800 जैसा का वैसा रहेगा, लेकिन इसका हर अंश में चल जाएगा और अंश काय में आ जाएगा हर में, ये हो गया 800 गुणित 100/50। 10 से 10 कटा, 5 का भाग 10 में दी, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब बचा क्या 800 गुणित 2, 800 का 2 में गुणा किए तो कितना आ गया 1600, 2 सुनम सुन 2 सुनम सुन 2 8 1600, तो x का मान कितना आ गया 1600 रुपये। और हमने x क्या माने थे, माना कि रोहन के पास शुरू में ₹X थे, अतः रोहन के पास शुरू में कितने रुपये थे 1600 रुपये थे। तो 1600 का 50% खर्च करने के बाद कितने बचे 800, देखो 1600 का आधा क्या हो गया 50%, 800। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर 10 कुर्सियों का विक्रय मूल्य। हल में सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, क्योंकि प्रश्न में ही कह रहा है 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये लिख दिया हमने 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर 10 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, अतः शेष 2 कुर्सियों का लाभ हुआ। अब ये क्या हो रहा, 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य और 10 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, ये कैसा बराबर, तो यहाँ 2 कुर्सियों क्या हो रहा है हमें लाभ हो रहा है, तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100/100 किराए मूल्य। लाभ कितना हुआ 2 कुर्सियों का, तो 2 गुणित 100/10, 10 से 10 क्रॉस हो गया, 2 का 10 गुणा की, तो 2 का 10 गुणा की कितना हो गया 20, तो कितना आ गया 20%, अतः लाभ प्रतिशत होगा 20% होगा। ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। शाथिर ने एक कूलर 10% कर सहित 4400 रुपये में खरीदा, वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, शाकिर ने एक कूलर 10% कर सहित कितने में खरीदा, 4400 में खरीदा, वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए।
देखिए माना कूलर का मूल्य क्या था, एक्स रुपये, तो एक्स का कितना प्रतिशत, 10%, तो एक्स का 10% यानी एक्स गुणित 10/100, 100 से 100 क्रॉस हो गया और एक्स का 1 गुणा की तो एक्स बटे 10, ये एक्स का 10% क्या आ गया, एक्स बटे 10। अब कर सहित मूल्य क्या हो जाएगा, यह कितना कर लग गया उसको, एक्स बटे 10, तो एक्स धन एक्स बटे 10 बराबर 4400। इसका लघुत्तम कितना आ गया, 10, 10 का एक्स में गुणा की 10x धन एक्स, 10x में एक्स को जोड़े तो 11x हो गया और इस 10 का 4400 तरफ पक्षांतर किए तो इसी गुणा में चले गया। अब इसको गुणा किए तो कितना आ गया, यहाँ पे 44000 आ गया और ये 11 काय में आ गया, भाग में आ गया, गुणा में तो काय में चले गया, भाग में, और 11 का भाग 44000 में दिए कितने बार गया, 4000 बार, तो एक्स का मान कितना आ गया, 4000 रुपये। माना कूलर का मूल्य, वेट जोड़ने के पहले कूलर का मूल्य कितना हो जाएगा, 4000 रुपये। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10, बिल्कुल उसी प्रकार है प्रश्न नंबर 9 जैसे ही। क्या कह रहा है, ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3155 में खरीदी, कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल क्या लिखेंगे, माना कर से पहले उस वस्तु का मूल्य कितना है, एक्स रुपये, तो एक्स का कितना प्रतिशत, 4.5%, तो ये कितना आ जाएगा जब इसको हल करेंगे, एक्स गुणित ये 45/10, दशमलव हटाए तो 10 लगाए और ये प्रतिशत का 100 आ गया। अब इसको किससे काटे, 5 से 5 दून 10, 5 नाम 45, ये 9 का एक्स में गुणा की तो ये 9x हो गया और 2 का 100 में गुणा की तो 200, तो ये आ गया आपका उसका निकल के 9x/200। अब कर सहित बिना करके ये कर सहित क्या हो जाएगा, एक्स धन 9x/200 बराबर 3155। इसका लघुत्तम नहीं, लघुत्तम 200 आ गया और 200 का एक्स में गुणा की 200x धन 9x बराबर 3155। अब क्या किए, 200 का पक्षांतर किए तो इधर काय में चले गया, गुणा में आ गया, ये क्या बचा, 209x बराबर 3155 गुणे 200। अब यहाँ पे आप देखेंगे 209 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, 209 का पक्षांतर किए तो भाग में गया, तो भाग में किसके भाग में आ गया, 3155 गुणे 200 भागित क्या हो गया, 209। अब इसको हम जब गुणा भाग करेंगे तो 209 का भाग हमने किसमें दिया, 3155, तो कितने बार गया, 15.09 गुणित 200 और 15.09 में 200 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3019.14 रुपये। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अतः कर से पहले उस वस्तु का मूल्य 3019.14 रुपये था। ये आप प्रश्न नंबर 10 का हल कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या कह रहा है, 10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज वार्षिक संयोजित होगा। देखिए यहाँ पे आपका 10,000 रुपये है, ये क्या कहलाएगा, आपका मूलधन कहलाएगा, 10,000 रुपये क्या कहलाएगा, मूलधन, और वर्ष 2 वर्ष क्या हो गया, समय, और 5% इसकी क्या हो गई, दर, और हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो बच्चों आप मिश्रधन के सूत्र से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे, सबसे पहले आप मिश्रधन निकाल लीजिए, मिश्रधन निकालने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। तो चलिए कैसे हल किए देखते हैं, इसको ध्यान दीजिए, मूलधन कितना है आपका, मूलधन पी बराबर 10,000, दर कितनी, आर बराबर 5%, समय एन बराबर 2 वर्ष, या इसको टी से भी दर्शा सकते हैं। तो ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका समय हो गया और ये दर हो गई। मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, पी, पी मीन्स मूलधन, कोष्टक में 1 धन r मीन्स दर के बटे 100 पूरे की घात n, n मीन्स समय, इसको टी भी कहते हैं। देखिए मूलधन कितना, पी का मान, पी का मान 10,000 है, ये लिख दिए, 1 धन r कितना है, 5/100 पूरे की घात 2 क्या है, ये समय, 2 वर्ष समय, तो n क्या हो गया, n का मान 2 हो गया। अब इसे हल करते हैं, देखो ये 10,000 जैसे का वैसा लिखा मैंने, 1 धन 5 एकम 5 5 2 10 यानी 5 का भाग 100 में दी कितने बार गया, 20 बार, तो इसको हमने छोटा कर दिए। फिर देखिए इसके आगे, ये आपका 10,000 तो यहाँ तक चले आ रहा है, अब इसको हल करेंगे तो ये 20 का लघुत्तम लिए, तो लघुत्तम कितना आ गया, 20 और 20 का 1 गुणा की 20 धन 1, तो इसको हल किया गया, 21/20 पूरे का वर्ग। अब हमने 10,000 गुणित 21/2 को 2 बार लिख दिए, 21/20 गुणित 21/20 इसको कितने बार लिख दिए, 2 बार, ये 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस हुआ, 2 का भाग 100 में दी कितने बार गया, 50 बार, फिर 2 का भाग 50 में दी कितने बार गया, 25 बार। अब क्या बचा हमारा यहाँ पे, 25 गुणित 21 गुणित 21, तो 21 का 21 गुणा की 441 और 441 का जब 25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 11,025 रुपये। तो ये क्या हो गया, मिश्रधन हो गया, और हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, a-p, और चक्रवृद्धि ब्याज को काय दर्शाते हैं, CI से। a का मान कितना है आपका, 11,025, और p का मान कितना है, 10,000 है। तो अब क्या करेंगे, 11,025 में से 10,000 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1,025 रुपये, अतः चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया इसका, 1,025 रुपये। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 को हल करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 भी देखिए आपको बहुत बड़ा है, आप देखते होंगे जितने भी सवाल हैं आपके, ये एक भी सवाल आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में जो 3 लाइन दी हैं या 4 लाइन दी उनमें नहीं आएंगे, इसलिए आपको कॉपी में इसकी तैयारी करना है। चलिए प्रश्न नंबर 12,
45,000 पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या करना बच्चों, यहाँ पे आपको मूलधन दिया है, दर दिया है और समय दिया है, इससे आप मिश्रधन निकाल लीजिए। मिश्रधन निकालने के बाद आप क्या निकाल लेंगे, चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे, उसके बाद साधारण ब्याज निकाल लीजिए। और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालने के लिए चक्रवर्ती ब्याज में से साधारण ब्याज को आप घटा दीजिए, तो आपको उसका अंतर मालूम हो जाएगा। चलो कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले लिख दो मूलधन P बराबर कितना है, 45,000, दर R बराबर 12%, समय T बराबर 5 वर्ष। तो मिश्रधन का सूत्र क्या हो गया, A बराबर P कोष्टक में 1 धन R के बटे 100 पूरे की घात T। देखो इसके पहले हमने आपको N से दर्शाए थे, N से भी दर्शा सकते हैं और T से भी, समय को दोनों प्रकार से दर्शा सकते हैं। P यानी P का मान कितना है 45,000, 1 धन R कितना है 12/100 और T कितना है 5। 45,000, अब देखो इसका हम लघुत्तम लिख कितना आ गया 100, और 100 का एकम गुणा की 100 धन 12, 100 में 12 को जोड़े तो 112/100 पूरे की घात 5 ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे 45,000 जैसा का वैसा लिखे गुणित 100 का भाग 112 में दी कितने बार गया, 1.12 बार गया और पूरे की घात 5। जब हम 1.12 का 5 बार गुणा करते हैं, 1.12 गुणित 1.12 गुणित 1.12 गुणित 1.12 ऐसा 5 बार गुणा करेंगे तो हमें इसका मान कितना प्राप्त होगा, 1.76। और इस 45,000 में 1.76 का गुणा किए तो कितना है 79,700 रुपये। तो ये क्या ज्ञात हो गया, मिश्रधन, हमारा मिश्रधन कितना आ गया 79,200 रुपये। अब हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो 79,200 में से 45,000 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, 34,200 रुपये। ये क्या हो गया, CI। अब हमको चक्रवर्ती ब्याज मालूम हो गया, लेकिन हमें चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करने का है, हमें साधारण ब्याज भी निकालना पड़ेगा। साधारण ब्याज को SI से दर्शाते हैं, और साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन गुणित दर गुणित समय के बटे 100। मूलधन मीन्स P, दर मीन्स R, समय मीन्स T बटे 100। P का मान कितना है, मूलधन कितना है 45,000, दर कितनी 12 और समय कितना है 5। तो क्या हो गया, 45,000 गुणित 12 गुणित 5 के बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस हो गए। अब बचा क्या, 450 गुणित 12 गुणित 5। अब इनका जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, SI 27,000 रुपये। साधारण ब्याज कितना आ गया आपका, 27,000 रुपये आ गया, और चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 34,200 रुपये है। अब इनमें अंतर निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, चक्रवर्ती ब्याज मीन CI में से साधारण ब्याज SI को घटा दीजिए। 34,200 में से 27,000 घटाए कितना आ गया, 7,200 रुपये। ये क्या ज्ञात हो गया, इसका अंतर, किसका अंतर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 को हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, दुकान ए और दुकान बी पर खिलौने का मूल्य 5,040 रुपये है, सॉरी 540 रुपये है। इस सप्ताह यह खिलौना दुकान बी पर रुपये 425 रुपये की सेल पर है तथा दुकान ए पर 25% छूट पर है। अब किस दुकान पर यह कम कीमत पर उपलब्ध है तथा दोनों कीमतों में अंतर है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आप देख रहे होंगे कि दुकान ए और दुकान बी पर एक खिलौने का मूल्य कितना है, 540। इस सप्ताह यह खिलौना दुकान बी पर 425 की सेल पर है और दुकान ए 25% छूट पर है। तो हमें तो दुकान बी का मूल्य मालूम है, लेकिन दुकान ए कितना प्रतिशत छूट दे रहा है, 25%। तो इसकी छूट निकाल लेते हैं पहले हम। तो देखिए दुकान ए पर मूल्य क्या हो जाएगा, 540 का कितने प्रतिशत छूट है, 25%। तो हमने इसको 540 गुणित 25/100, ये 100 किसका आया, प्रतिशत का, इसको क्रॉस कर दिया हमने, 1 शून्य से 1 शून्य क्रॉस हो गया, या इसको किससे क्रॉस किया हमने, 25 से क्रॉस की 25 से कम 25 चौके 100, और 4 का भाग 540 में दी कितने बार गया, 135 बार। देखिए 25 से 100 को क्रॉस की कितने बार, 4 बार, और 4 से 540 क्रॉस की कितना गया, 135। तो ये 135 की हमको छूट मिल रही है, कितने पैसे, 540। तो छूट के बाद कीमत क्या हो जाएगी, बी खिलौने की, तो उसके बाद खिलौने की 540 में से 135 को घटाए तो 405 रुपये, एंड छूट के बाद कीमत कितनी होगी, 405। दुकान ए की कीमत क्या है, दुकान बी पर 425 की सेल पर है, तो दुकान ए की कीमत क्या हो जाएगी, 405। दुकान बी का मूल्य कितना है, 425, और दुकान ए का मूल्य क्या है, 405। अतः दुकान ए पर कम कीमत पर उपलब्ध है, यहाँ कहा है ना। अब किस दुकान पर यह कम कीमत पर उपलब्ध है, तो आप बताएंगे दुकान ए पर यह कम कीमत पर उपलब्ध है। अब दोनों कीमतों में अंतर क्या आएगा, 425 में से ये आप 405 को घटाएंगे तो 20 रुपये का अंतर आएगा। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 को हल करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा है, 2% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2023 के अंत में एक गांव की जनसंख्या 37,500 हो गई, वर्ष 2025 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। तो आप इसको कैसे निकालेंगे बता देते हैं, जो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 37,500, दर कितनी है 2%, समय क्या है 2 वर्ष। तो इसका 2025 के अंत में जनसंख्या निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 37,000 यानी कि आपका P कोष्टक में 1 धन R के बटे 100 पूरी की घात T वाला सूत्र लगा के इसे हल कर देंगे। तो यहाँ मूल जो कुल जनसंख्या कितनी है, 37,500, 1 धन
इसमें आपका दर कितने प्रतिशत कह रहा है, 2%। तो ये 2/100 पूरे की घात 2 क्या है, 2 वर्ष समय। अब 2 वर्ष समय कैसे, 2023 से 2025 के बीच कितने समय होता है, 2 वर्ष का, तो यह 2 आ गया। अब इसे हल करते हैं हम, देखिए 37,500 एक धन 2 का भाग 100 में दी कितने बार गया, 50 बार गया, तो 1/50 आ गया। फिर इसका हमने, ये तो आपका चले ही आ रहा है, इसका लघुतम 50 आया, 50 का एक गुणा की 50 धन 1/50, 50 में एक जोड़े तो कितना होगा 51/50, 51/50 का वर्ग, इसलिए इसको कितने बार लिख दिया आपने, 2 बार। अब इसे क्रॉस किए, 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस हुआ, 5 से क्रॉस किए, 5×7=35 बच गया कितना, 2×5=25। फिर 5 से 75 क्रॉस किए तो कितने बार क्रॉस होगा, 15 बार। अब बचा क्या आपका यहाँ पर, 15×51×51, 15 का 51 गुणा की 765 और 765 का 51 गुणा की तो 39,015। अतः 2025 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, 39,015 होगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। और इस वीडियो का या इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। और ये जो प्रश्न है ये आप अपने आधार पर इसे हल कर सकते हैं। इसमें क्या दिया है, अपने परिवार की मासिक आय, मासिक आय ने जो आपके परिवार में महीने में जो आय प्राप्त होती है वह का मासिक आय, मासिक व्यय का रिकॉर्ड रखने, अपने परिवार की मासिक व्यय का रिकॉर्ड रखने हेतु अपने माता पिता से चर्चा कीजिए और नीचे दी गई तालिका अनुसार जांच पुस्तिका बनाइए। आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रविष्टि को बदल सकते हैं। चलिए माह अगस्त की बात कर रहे हैं, परिवार की कुल मासिक आय कितनी है, 40,000 रुपये। अब देखो परिवार की मासिक आय हमारे एक महीने कितने रुपये आ रहे हैं, 40,000 रुपये आ रहे हैं। अब उसमें यहाँ तालिका बनी हुई, क्रमांक दिया, दिनांक किस दिनांक में कितना व्यय हुआ, तो यहाँ पर आप दिनांक डाल देंगे किसके दिनांक किस चीज़ का व्यय हुआ, व्यय विवरण, मकान किराया, मकान किराया क्या है वह बताएंगे, यदि आप किराए के मकान में रहते हैं उस या मकान स्वयं का है तो फिर भी उसमें आपको टैक्स लगता है तो बता देंगे, तो मकान किराया 3,000 रुपये। शिक्षा पे व्यय यानी कि जो पढ़ाई पे व्यय होता है वह हो गया 20,000, किराना 2,000, गैस और बिजली 1,000, फल सब्जी दूध 1,000, मोबाइल रिचार्ज 500, मनोरंजन पर व्यय 500 और अन्य खर्च 2,000। इस प्रकार कितना व्यय हुआ, 30,000 रुपये। मासिक आय कितनी है, 40,000, और आपका व्यय कितना हो रहा है, 30,000 रुपये। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। कुल आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया गया, प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो कुल आय क्या है हमारी, 40,000, और कितना राशि खर्च हो रही है, 20,000 खर्च हो रही है, तो ये 20,000 भागे 40,000 × 100 कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कुल आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया गया, कितना प्रतिशत में निकालना है। अब देखिए यहाँ पे कितने शून्य, 4 शून्य, ये 2 शून्य और 2 शून्य 4 शून्य क्रॉस हो गए, तो बचा क्या आप, 200 भागे 4 और 4 का भाग 200 में 2 तो कितना आ गया, 50%। कुल आय का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय हो रहा है, 50%। इसके बाद दूसरा सवाल है, परिवार की आय का कितने प्रतिशत भाग बचत है। देखिए हमारी आय कितनी है, 40,000, व्यय कितना है, 30,000 रुपये। जब 40,000 में 30,000 हमने घटा दिए तो कितना बचा, बचत क्या हुई हमारी, 10,000 रुपये की। अब 10,000 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 10,000 भागे 40,000 × 100, ये कितने शून्य है, 4 शून्य से ये 4 शून्य क्रॉस हुए और 4 का भाग इसमें दी हमने, 100 में दिए तो कितने बार गया, 25 बार, तो ये क्या आ गया, 25%। परिवार की आय का 25% भाग बचत है, कितने प्रतिशत भाग बचत हो रही है, 25%। इसके बाद अगला प्रश्न है, आप अपने परिवार की बचत कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जो हमारा व्यय है उनमें बचत करके हम अपने परिवार की बचत बढ़ा सकते हैं। जैसे किराना में कमी कर सकते हैं, मोबाइल जो रिचार्ज लाता है मोबाइल खर्च उसमें, मनोरंजन व्यय पर कम करके हम अपने परिवार की बचत बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 15 कंप्लीट हुआ और अध्याय 7 के जो आपके 1 से लेकर 15 तक प्रश्न थे ये कंप्लीट हुए। और आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता दे रहे हैं, आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे ना कि एटगेट अभ्यास पुस्तिका में। यदि बच्चों आपको ये प्रश्नों के हल समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।